नमस्कार दोस्तों, दीपास आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं कि दिवाली में आपके घर पे कोई आते हैं तो हम उनसे ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, वो हम एक बॉक्स में देते हैं, तो वो बॉक्स हमें आज सजाना है। हमने ये जो बॉक्स है वो मोबाइल बॉक्स का लिया है, ये हेक्सागोन का बॉक्स, उस शेप का बॉक्स है। अभी तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो स्क्वायर, ओवल, डिफरेंट शेप के आते रहते हैं बॉक्सेस, और हम इस बॉक्स को अभी उसे सजाएंगे। उसके लिए आपको फेविकॉल, पेपर, सीजर, 3D कोन एक्वारेल के, फेविक्रिल के, और ये हेलमेट पेपर आप अगर A4 साइज की से थोड़ी बड़ी साइज के लेते हैं तो ऐसे 4 पेपर लगेंगे, और इससे बड़ी साइज आते हैं वो सिर्फ 1 पेपर लगेगा। सबसे पहले हम ये हेक्सागोन शेप के पेंसिल से हम उसे कट कर देंगे। हम इस तरह से पेंसिल से उसको हम ड्रॉ करके हम उसका शेप कट कर देंगे। हमने 2 डिफरेंट कलर में लिए हैं, आपको एक ही कलर में लेना है तो भी चलेगा, और डिफरेंट कलर लेंगे तो भी चलेगा। अब हम उसे कट करें। अब हम इसको फेविकॉल से चिपका देंगे। अब हमें इस साइड की पट्टी को लिए हमें कवर करने के लिए देंगे, और उसे हमने ड्रॉ कर दिया है, और अब हम उसे कट कर देंगे। हमारे आगे की वीडियो में हमने जिस तरह से आपको दिखाया था उस तरह से हमने इसको ये शेप में करके इसी शेप का हमने निकाल कर हमने इसके ऊपर चिपका दिया। और जो बाकी का है हम उसे सीजर से कट कर। इस तरह से हमने ये बना लिया। सेम उसी तरह की पट्टी को हम ऐसे कट करेंगे और यहाँ से ऊपर से भी कट करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। हम इस सर्कल को फेविकॉल से चिपका देंगे। छोटे के शेप में सर्कल
से कट कर दी। अब हम इसे बीच में लगाकर हमें इसे थोड़े टाइम तक सूखने देना। अब हमने हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हमने वो जो देवी के डेकोरेशन के लिए जो पट्टी यूज की थी वही सेम पट्टी हम इसमें यूज करेंगे और हम इसे डेकोरेट कर देंगे। जैसे हमने बताया था कि ये रेडीमेड स्टिकर्स मिलते हैं, ये लगाने के लिए बहुत ही आसान रहते हैं। ये दिखने के लिए भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब हम ऊपर की तरफ भी ऐसे ही करें। ये जो स्टोन है वो छोटी साइज बड़ी साइज सब साइज में अवेलेबल रहते हैं, जो भी साइज का लेना चाहो वो ले सकते हैं। इस तरह से हमें उसे प्रेस करते रहना है। अब हम इसे जो थोड़े बड़े हैं उसको इस तरह से दोस्तों हमने हमारा ये जो टूटा था वो हमने कट करके यहाँ पर भी हमने ऐसे चौड़ा पट्टा लगाया। अब हम इसे इस तरह से बंद करके इस तरह से खोल सकते हैं। अब हमें कई कई शेप पर हमें ये जो वाइट वाइट दिख रहा है जो हमने पेपर चिपकाया है उसे हम
थोड़ा सा कलर कर लूंगी अगर आपके पास रेड कलर हो तो। रेड कलर से हम कलर कर देंगे। और अगर आपके पास ये हेक्सागन शेप का नहीं है बॉक्स, तो आपके मोबाइल के बॉक्स का अगर रेक्टेंगल शेप में है तो आप रेक्टेंगल शेप में चार कॉर्नर में चार हिस्सों में भाग को अलग करके भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमने छह कोनों में हमने किया है, जहाँ पर आप ड्राई फ्रूट से, चॉकलेट से या व्हाटएवर जो भी थिंग्स है आप रख सकते हैं। और हाँ, आफ्टर दिवाली के बाद आप इसको आपके ज्वेलरी बॉक्स है, आपके इयररिंग्स है, आपके कुछ भी चीज़ इसमें रख के आप सेफली रख सकते हैं। और हमें इसमें थोड़ा सा और इसको हमें ये जो वाइट वाइट दिख रहा है हमारे, वो हम उसे रेड कलर का कलर कर देंगे। अब हमें ये एक्रेलिक कलर रेड कलर का लेकर हमें ये जो हमारा जो रेड रेड जो वाइट कलर का जो दिख रहा है उस सबको हम रेड कलर में हम कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें कलर भी कर लिया है जो जो हमें वाइट दिख रहा था उसमें। उन जगह पर जो हमने फेविकोल लगाया वो अभी भी दिख रहा है, वो जो सूखने के बाद हमें फिर नहीं दिखे। अब हमें इसको काफी टाइम तक सूखने देना है। और हमारा ये जो उसके ऊपर का जो हमने कैप बनाया है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारा ये वीडियो रेडी हो चुका है। हमने ये जो काजू बादाम गलने के लिए जो दिवाली में हम इसमें रखते वो हमने रेडी कर लिया है। आप हम इसे खुश कर देख सकते हैं कि हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं हमारे घर पर कोई भी मेहमान आते हैं या कोई भी है। ये जैसे हमने बेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाया है। और अब हाँ, हमें इसको इस तरह से ढक देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।